Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic of statistics and educational statistics, that is level of significance in statistics. Okay, तो बात हो रही है आज सांख्यिकी विषय पे, जिसमें कि हम एजुकेशनल रिसर्च में इसको पढ़ते हैं, और बात हो रही है सार्थकता स्तर की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा ट्रिकी है. इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, ओवरऑल जितना इसमें ये आपकी अल्फा बीटा एरर हो गई, आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई, उसको रिजेक्ट करना है कि रिजेक्ट नहीं करना है, किस कंडीशन में करना है, क्रिटिकल रेशियो क्या, ये सब कुछ बहुत आसान है बट ट्रिकी है. अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी, और अगर आप याद करके लिखना चाहेंगे तो वो याद करने की विद्या आपकी यहाँ फेल हो जाएगी, काम नहीं आने वाली. तो कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हम करना क्या चाहते हैं. हम करना चाहते हैं, चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इस क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो हम जनरली दो ग्रुप्स की तुलना करना चाह रहे हैं, या हम किसी का प्रभाव किसी पर देखना चाह रहे हैं. मतलब दो वेरिएबल हैं, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब लोग जानते हैं. तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जोड़ तोड़ करके, घटा बढ़ा के डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव देखना चाहते हैं, मोर और लेस यही है. तो हम क्या करेंगे कि हमको बनानी पड़ेगी हाइपोथेसिस, परिकल्पना, यानी कि थीसिस के पहले की चीज है, हाइपोथेसिस है कि हम कुछ मान के चल रहे हैं ना, एज्यूम, तो हमको कुछ करना पड़ेगा. मान लीजिए सिंपलेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं सोशियो इकोनॉमिक लेवल का व्यक्ति के, मतलब स्टूडेंट के अचीवमेंट पे क्या असर है. तो हम सबको पता है कि इन जनरल ऐसा होता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा हो तो आपका अचीवमेंट अच्छा रहता है, क्योंकि आपको माहौल बढ़िया मिलता है, रिसोर्स मिलता है, सब मिलता है. तो लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो वो कहता है कि रिसर्चर को बायस्ड नहीं होना है, आपको किसी कंसीव्ड प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं चल रहा है, आपको न्यूट्रल घुसना है फील्ड में. तो न्यूट्रल घुसने के लिए ये कहते हैं आप नल हाइपोथेसिस बना लीजिए. नल हाइपोथेसिस मतलब अभी आगे मिलेगा कहीं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि एक ग्रुप जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल उसका बढ़िया है, उसकी अचीवमेंट पर क्या है इम्फेसिस है, इफेक्ट है, और दूसरा जिसका कम है उसका क्या है. तो हम कह रहे हैं कोई अंतर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि फिर देखें एक्चुअली डेटा एकत्रित करने के बाद कि क्या अंतर है. तो इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए. दूसरी खास बात ये कि हम सभी जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारी पॉपुलेशन होती है बड़ी, हर पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल तक आप पहुंच नहीं सकते, तो आप निकालते हैं उसमें से सैंपल, और जो ये तरीका है उसको बोलते हैं सैंपलिंग. और हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो सैंपल हो वो पॉपुलेशन का जितना ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर सके उतना बढ़िया. ठीक है, तो ये है इसका बैकग्राउंड. अब शुरू करते हैं कि अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यूजेस सैंपल डेटा टू इवेलुएट ए हाइपोथेसिस अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर. यानी कि जो परिकल्पना परीक्षण हम करने जा रहे हैं वो किस लिए करने जा रहे हैं, कि हम यूज किसको करेंगे, सैंपल डेटा को, लेकिन हम जानकारी प्रेडिक्शन किसके बारे में निकालेंगे, पॉपुलेशन के बारे में. ठीक, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर सैंपल्स आर ड्यू टू रैंडम चांस फैक्टर्स एज स्टेटेड इन द नल हाइपोथेसिस और दे आर ड्यू टू ट्रू डिफरेंसेस इन द सैंपल एज स्टेटेड इन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अब क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये कि हम ये देखना चाहते हैं, हम पूरी स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमको प्रेक्षण में अंतर दिख रहा है, जो प्रेक्षणीय अंतर दिख रहा है हमको दो नमूनों के बीच में, दो सैंपल्स के बीच में, वो रैंडमली आ गया है, बाय चांस आ गया है, जैसा कि हम स्टेट नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, या वो सैंपल में अंतर निहित है, जैसा कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कहते हैं. अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम डायरेक्शनल बताते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन, ऐसे. ठीक, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा एंड अल्टीमेटली टू फेल टू रिजेक्ट और टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अच्छा, देखिए हमने नल हाइपोथेसिस में बनाया क्या कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ऐसे करके. तो एक्चुअली जब हम डेटा एकत्रित करते हैं तो जनरली होना क्या चाहिए और होता क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अंतर निकल के आएगा और वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि हम उसको ये नहीं कह पाएंगे कि वो बाय चांस आ गया है. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी एक प्रक्रिया है जिसमें हम सांख्यिकीय उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ये डेटा का एनालिसिस करते हैं, और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें या रिजेक्ट ना करें. ओके, From a practical point of view, finding statistical evidence that the null hypothesis is false allows you to reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis.
हाइपोथेसिस। फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि स्टैटिस्टिकल एविडेंस हमको मिल गया, उससे हमको पता चल गया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है, तो हमको हमको ये अनुमति मिल जाती है, एविडेंस मिल जाता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दें। ठीक, अब नल हाइपोथेसिस, वैसे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का पहले भी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि नल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटेड अजम्पशन दैट देयर इज नो डिफरेंस इन पैरामीटर्स। हमने ये मान के चला है कि जो हमारे पैरामीटर हैं जैसे मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, दो या दो से अधिक पॉपुलेशन का, उसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहती है कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉपुलेशंस इज रियल, यानी कि जो अंतर दिखाई दे रहा है वो वास्तविक अंतर है, वो चांस या सैम्पलिंग एरर की वजह से नहीं आया। अब इन यूजिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर टू डिटरमाइन इफ द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, द पर्सन कंडक्टिंग द हाइपोथेसिस टेस्ट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अलाउएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप वन एरर कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द टेस्ट। अब आता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि कोई लेवल तो होगा ना कि हम सेट कर लेंगे कि इससे ऊपर अगर होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे या नहीं रिजेक्ट करेंगे, तो यहीं पर एक हो जाती है एरर जिसको कि टाइप वन एरर कहते हैं, ये आगे बात करेंगे। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपका, इसको हम पी वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, और अगर पी वैल्यू का मान अल्फा से कम आता है, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इसको याद कर लीजिए, तो नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और पी वैल्यू को ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द टेस्ट कहते हैं, यानी कि परीक्षण की सार्थकता का स्तर। अब जानते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। Level of significance is defined as the fixed probability of wrong elimination of the null hypothesis when it is true. देखिए ये थोड़ा सा confusing statement हो जाता है जहाँ हम type 1 और type 2 error की बात करते हैं। वो कह रहा है कि type 1, हम level of significance को हमने क्या किया, probability of type 1 error है, यानी कि type 1 error होने की संभावना जो है वो researcher पहले ही set कर देता है, मतलब जब हम research करना शुरू करेंगे उसके पहले ही हम अपना level of significance तय कर लेंगे। जो गलत researchers करते हैं, जो उल्टा पुल्टा करते हैं, modification करते हैं, करते नहीं है actually, वो क्या करते हैं कि level of significance पहले तय नहीं करते हैं, पहले result निकाल देते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा इस level पे set नहीं हो रहा है तो हम इसका मान बढ़ा दें और इस level पे set कर लें। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको पहले ही, अब आप आगे जानेंगे इसलिए शब्द बोल ले रही हूँ कि 0.05 या 0.01, ये दो लेवल जनरली सोशल साइंसेज में लिए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि सांख्यिकीय रूप से हम कह पाएंगे कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि अंतर इतना है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, अंतर इतना है कि आपको मानना पड़ेगा कि ये अंतर एक्चुअली पॉपुलेशंस के बीच में है। इट डिफाइंस, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है यही परिभाषित करता है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब कह दीजिए कि नहीं ये गलत था, कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, या हमारा अगर उस हिसाब से डेटा नहीं निकल के आता है तो आपको कहना पड़ेगा कि यस देयर इज नो डिफरेंस। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई इफ द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर द नल हाइपोथेसिस टू बी रिजेक्टेड, और ये हमारा परिणाम जनरली ये निकल के आता है कि डेटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब सिंबल क्या है इसका, अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये हो चुका कि पी वैल्यू का मान अगर सिग्निफिकेंस अल्फा से कम आएगा तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, जो एक्चुअली हम चाहते हैं करना। ओके, फिर कॉन्फिडेंस लिमिट्स की बात, वही जो 5% और 1% या 0.05 0.01 कह रही थी आपसे कि आपको कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना कॉन्फिडेंस लिमिट, तो हमने इसको 5% और 1% कर दिया है। तो इफ द सैंपल वैल्यू लाइज बिटवीन द कॉन्फिडेंस लिमिट, अगर कॉन्फिडेंस लिमिट के बीच में हमारे सैंपल वैल्यू आ रहा है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जनरली हम देखिए 5% का मतलब क्या है, 100 में 5 ना, 1% का मतलब 100 में 1, तो अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 0.05% और 0.01% हो गया। यही हमारा सोशल साइंसेज में चलता है, उसमें भी 0.05 चलता है। देखिए सोशल साइंसेज है ना, अगर साइंस हो तो आपको 0.001 भी चलेगा, मतलब वहां पे कितना एक्यूरेट, लेकिन यहाँ तो सोशल साइंसेज आपको ह्यूमन बींग्स पे रिसर्च करना है तो 100 में 5 बहुत है, मतलब इसको मानेंगे आप कि 95% सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट है। तो जनरली हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले सेट करेंगे कि रिजल्ट के बाद हम बता सकें कि नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं, अदर की हम नहीं रिजेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, 95% हम संतुष्ट हैं। और इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है कि इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 100 times, इसका मतलब है कि अगर 100 बार आप वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो केवल 5 बार, ओनली ऑन 5 occasions, केवल 5 occasions पे जो आपका ऑब्टेन्ड मीन है वो आपकी जो लिमिट है उससे बाहर आएगा। और लिमिट क्या है, म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96 SE।
और उसी तरह से 0.01 लेवल पे आप कह सकते हैं कि अगर आप 100 टाइम्स वो रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो केवल एक बार जो ऑब्टेंड मीन है वो लिमिट से बाहर आएगा, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.58 ऐसी है। अब ये 1.96 2.58 कहाँ से आया, ये वैल्यूज टी टेबल से ली गई। आप टी टेबल की सारणी देखिए, जब आप लार्ज सैंपल की बात करते हैं तो 0.05 पे टी का मान 1.96 है और 0.01 पे टी का मान 2.58 है, वहीं से हमने लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा रिगरस है, वहां हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कह पा रहे हैं, और 0.05 में थोड़ा लेस रिगरस है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 0.01 पे सिग्निफिकेंट है तो 0.05 पे तो सिग्निफिकेंट होगी ही, पर अगर 0.05 पे सिग्निफिकेंट है तो हो सकता है 0.01 पे सिग्निफिकेंट ना। ठीक, अब आई डोंट नो कि बेसिक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड आपका स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज में कितना है और आप कितना समझ पा रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इसे समझ जाएं। फिर आए टाइप 1 टू टाइप 2 एरर। ये देखिए सारे कंसेप्ट मिले हुए हैं, सैम्पलिंग एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्फिडेंस लिमिट, टाइप 1 टाइप 2 एरर, सारे कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी में टाइप 1 टाइप 2 एरर भी आ जाएगा। बात एक आध बार टाइप 1 एरर की हुई, इसीलिए वहां नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये टाइप 1 एरर कॉरेस्पॉन्ड्स। किसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं? टाइप 1 एरर उसको कहते हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सही होती है। तो ये गलत बात है, ये तो गलत बात है ना, तो ये त्रुटि हो गई। और टाइप 2 एरर कब करते हैं? जब हम एक्चुअली नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन वो गलत होती है, वो गलत है पर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो टू एरर टाइप 2, और वो सही है पर रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर। तो हमारी प्रयास ये होना चाहिए इन हाइपोथेसिस टेस्ट, ए टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू, दैट इज गलती से रिजेक्ट, मतलब गलत रिजेक्ट कर दिया। तो टाइप 1 एरर को हम ज्यादा सीरियस मानते हैं टाइप 2 एरर से। ठीक, अब इसमें भी बहुत डिटेल है, इसको फिर से आपसे टेकन अप करना पड़ेगा। और इफ वी डू नॉट रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तब भी हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरी प्रतिशतता से कह सकें, पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकें कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स ही है। तो यानी कि टाइप 1 एरर यू कैन से कि इनबिल्ड होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स में। तो हमको कोशिश, और ये जो टाइप 1 एरर है वो टाइप 2 एरर है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब अगर टाइप 1 एरर बढ़ती जाएगी टाइप 2 घटेगी, और अगर आप टाइप 1 को कम करना चाहेंगे टाइप 2 बढ़ जाएगी। तो मतलब भाई आप कह सकते हैं कि ये इनबिल्ड है, आपके होना ही होना है, आप इसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। तो जैसे ही एक एरर को आप कम करते हैं दूसरी एरर बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं, तो ये तो बहुत पुराना सवाल है कि यही पूछ लें कि टाइप 1 एरर क्या है, व्हेन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, व्हेन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। कितना कंफ्यूजिंग है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि टाइप 1 एरर का मतलब रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, या सिर्फ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस मान लो, क्योंकि एरर है तो इसका मतलब रिजेक्ट कर रहे होंगे लेकिन वो सही होगी, मतलब उधर उल्टा होगा, जैसे समझ में आए, जैसे आपको उचित लगे, जो आप पे यहाँ फंडा चल जाए, लेकिन सही याद रखने की ट्रिक आपको खुद ही निकालनी है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास कि मैं इसको शुरू कर पाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं और टॉपिक्स कवर कर लेती आपके, लेकिन वेल लेटर ऑन कर लूंगी। तो ये है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और 0.01, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।